नागपुर शहर में होने वाले G20 सम्मेलन के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के लिए जिला परिषद की ओर से 10 मार्च को स्कूली छात्रों की भागीदारी से अभिरूप G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जन जागरूकता के लिए प्राथमिक स्तर पर नागपुर जिले के विद्यालयों में निबंध, वक्तव्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। नागपुर जिला परिषद ने G20 सम्मेलन के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए अभिरूप G20 अवधारणा का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए जिले के 2 सरकारी स्कूल, 4 ग्रामीण स्कूल, 8 अर्ध सरकारी स्कूल और 6 निजी स्कूल चुने गए हैं। G20 में कुल 140 छात्र प्रत्येक स्कूल से 7 छात्र भाग ले रहे हैं। मंगलवार को जिला परिषद के काई अबा साहेब खेड़कर हॉल में अभिरूप G20 का रंगारंग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। आने वाली 9 मार्च को 4 अंतिम रंग प्रशिक्षण 10 मार्च को सुबह 10 बजे होगा। जिला परिषद शिक्षा अधिकारी रविंद्र काटोलकर ने बताया कि इसी हॉल में G20 का आयोजन होगा। C20 म्हणजे सिविक सोसायटी च्या या निमित्ताने एक 20 सदस्य राष्ट्रांचे सदस्य नागपूरला भेट देत आहेत। त्यानिमित्ताने समाजामध्ये, शाळांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती व्हावी म्हणून विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषद नागपूर, जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर आणि शिक्षण विभागाच्या वतीनं समाजामध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जाणीव जागृती व्हावी म्हणून विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात आहे। यामध्ये 2 कार्यक्रम प्रामुख्याने आम्ही हाती घेत आहोत। एक म्हणजे येत्या 10 मार्च रोजी सकाळी 10 वाजता माननीय विभागीय आयुक्त, माननीय जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पदाधिकारी, माननीय जिल्हाधिकारी आणि माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया यांच्या उपस्थितीमध्ये अभिरूप G20 आयोजन आम्ही करणार आहोत। यात नागपूर जिल्ह्यातल्या शासकीय, निमशासकीय व खासगी अशा 20 शाळा सहभागी होत आहेत। या 20 शाळांचे 140 विद्यार्थी विविध देशांचं प्रतिनिधित्व करणार आहेत। या प्रतिनिधींमध्ये 1 विद्यार्थी त्या देशाच्या चमूचं नेतृत्व करेल, दुसरा विद्यार्थी त्या राष्ट्राचा ध्वज सांभाळेल, तर 1 विद्यार्थी त्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाची भूमिका सुद्धा वठवेल। या विविध चमूंमध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया सारखे विविध देश, जपान, ब्राझील, युरोपियन युनियन सह 20 देश सहभागी होणार आहेत आणि त्याचा एक अपूर्व सोहळा जिल्हा परिषदेच्या आबासाहेब खेडकर सभागृहामध्ये संपन्न होत आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।